हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। संगीता माई किचन, संगीता सिरवी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाए हैं तिल्ली के लड्डू एकदम परफेक्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक के साथ। उसके लिए मैंने लिया मेजरमेंट से 2 किलो तिल और 1 किलो गुड़। पहले गैस चालू कर देते हैं और तिल्ली को जो है अच्छे से सेक के लेना है, यानी कि भून के लेना है। हिलाते हुए आपको सेकना है और बिल्कुल हिलाना स्किप ना करना है। तिल्ली के दाने बहुत छोटे रहते हैं, वो जल्दी से जल भी जाते हैं, तो आपको स्किप ना करना है। तब तक सेकना है जब तक इसमें से अच्छे से खुशबू ना आ जाए। देखिए, कम से कम 12 से 15 मिनट हो चुका है, हल्का कलर भी चेंज हो गया है। तो गैस बंद कर दिया और एक बार निकाल देते बड़े से बर्तन में। फिर से हमने गैस चालू किया है, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। अब चाहे इसकी जगह पानी भी डाल सकते हैं, थोड़ा ही डालेगा, और सारा गुड़ इसके अंदर डाल दीजिएगा। गैस को मीडियम रखेगा, ज़्यादा हाई ना रखे, और गुड़ को अच्छे से पिघलने दीजिएगा। पिघलने में आपको 4 से 5 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। देखिए, गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है। कम से कम 3 से 4 मिनट बाद एक उबाल आएंगे, तब तक इन्हें पकाएंगे। तभी देखिए 3-4 मिनट बाद अच्छे से उबल गया है। थोड़ा सा पानी लेके हमने छाछनी को चेक किया है कि जो लड्डू बन रहे कि नहीं, तो छाछनी हमारी तैयार थी, तो हमें सारी तिली इसके अंदर डाल दी। गैस बंद कर दीजिएगा और फिर डालिएगा सारी तली इसके अंदर डाल दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कीजिएगा। जैसे ही मिक्स होए तो इसी बर्तन में ना रखे, कढ़ाई के अंदर बहुत गर्म है तो लड्डू जो है कड़क हो जाते हैं। हमें फिर से इनको बाहर निकालना होगा। एक बार गर्म गर्म मिक्स कर दीजिए और इनको बाहर निकाल दीजिए। तिली को जो है हम बाहर निकाल देंगे। तो पहला ट्रिक्स, आपको पानी के अंदर छाछनी को चेक करना है कि आपने चाशनी जो है तैयार हुई कि नहीं लड्डू बनने में। पानी में डालिएगा और बॉल बनाए, बने तो आप बंद कर दीजिए और तुरंत ही तिल डाल के गरम गरम हिला दीजिए। दूसरा ट्रिक्स ये है, ये लड्डू जो है ठंडा होने के बाद बनते नहीं है, तो आपको इनको गरम गरम ही बांधना है। आपको क्या करना होगा मैं बता देती हूँ। पूरा बाहर निकाल दीजिएगा और अभी पहले इनमें से जो बच्चा है हम साफ कर लेते हैं अच्छे से, फिर बता देते हैं। मैं अभी इनके ऊपर से भी निकाल देती हूँ। तो हाथ को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा पानी लगाएगा, बहुत गर्म है ये इनमें से, और ठंडा होने के बाद ये जो है लड्डू बनते नहीं है, तो आपको गरम गरम ही बांधना पड़ेगा। कैमरा थोड़ा दूर है तो वैसे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा पास नहीं है लेकिन दिख रहा है। इस तरह पानी से हाथ में लगाइए और बाहर निकाल दीजिए। अच्छे से बर्तन को साफ कर लीजिएगा पहले। तो मैंने खुरपे में जो लगा था सारा निकाल दिया है। अभी मैंने देखिए थोड़े सा पानी लिया है कटोरी में, और इस तरह हाथ को भिगोते हुए लेना है। देख, दूसरा हाथ नहीं भिगोया तो उसको चिटक रहा है, जल भी रहा है, तो दोनों हाथ को पानी में अच्छे से भिगोना है, फिर आपको लड्डू बांधना है, तो ये इजीली बन जाएंगे। आपकी चाशनी परफेक्ट रहेगी तो ये लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनेंगे, ना टूटेंगे ना ज़्यादा कड़क होएंगे। अब चाशनी को ज़्यादा टाइम तक पका दिया तो आपके लड्डू भी बहुत कड़क हो जाएंगे, तो आपको अच्छे से इस तरह गोल गोल बांध देना है। ये देखिए इजीली बन जाएंगे। इसी तरह मैं पहला वाला बांध के तैयार किया है, सारे बना के तैयार कर लेंगे। छोटा बड़ा आपको जो साइज पसंद है बना सकते हैं। तो आपको पानी फिर से लगाना है, वरना आपके हाथ जल भी जाएंगे, और आप ठंडा होने का इंतज़ार करोगे तो ये बंधेंगे नहीं। लड्डू जो है एकदम परफेक्टली बनते नहीं है। गोल गोल लड्डू बनाने हैं तो थोड़ा सा पानी लगा के आप बंध दें फटाफट। ये देखिए मैंने थाली भर के लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।